हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग। दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग में जो आज आपका सब्जेक्ट है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि किस तरीके से कहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं, कहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होती है और किस जगह पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड था, उसमें आपको ये भी बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस में और रेप्लिकेशन प्रोसेसेस में क्या क्या बेसिक्स डिफरेंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और उस वीडियो का आनंद उठाइए। दोस्तों, दूसरी तरफ मैं आज आपके लिए जो लेकर के आया हूँ वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स की बात करूँ तो मैं आपको आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के उसके रिएक्शन की, उसके वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, किस तरीके से इनिशिएट करता है, किस तरीके से वो सारी प्रोसेस करता है। दोस्तों, मे भी हो सकता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और इसके आने वाले वीडियो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो। आज जो मैं आपके सामने ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में बता रहा हूँ वो आपके दरअसल आएंगे प्रोकैरियोट्स में। दोस्तों, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा और इसके बाद मैकेनिज्म को मैं आपको एक एनिमेशंस के द्वारा अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकता हूं। दोस्तों, पहली प्रोसेस यहां पे जो दिया गया है वो दिया है डीएनए डिपेंडेंट। पहली प्रोसेस की बात मैं कह रहा हूं, पहला एक ऐसा एंजाइम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक तरीके से इनिशिएशन का काम करता है, वो है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलीमरेज़ अक्सर चाहे जो भी हो वो क्या करते हैं कि प्राइमर, जैसे कि हम लोग रेप्लिकेशन के केसेस में बात करते थे कि जैसे ही वहाँ पे प्राइमर ऐड होता था वहाँ पे पॉलीमरेज आता था, डीएनए पॉलीमरेज, और सिंथेसिस मतलब बेसिस को ऐड करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे आपके प्राइमर्स नहीं होंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि प्राइमर आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका जो सबसे पहले आएगा वो आएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़, चूँकि ये डीएनए पे डिपेंडेंट है। डीएनए को इनकोड करके उसकी तरीके की कॉपीज बना, इसे हम डीएनए डिपेंड करते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज होता है। इज द एंजाइम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन, ये जनरली पॉलीमराइजेशन के लिए होता है। पॉलीमराइजेशन मीन मतलब ये होता है कि बहुत ढेर सारे बेसिस को ये पस में ऐड करते हैं ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड इन टू ए सिक्वेंस कम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द जीन। द एंजाइम अटैच एट द स्पेसिफिक साइट द प्रमोटर, सबसे पहले ये एंजाइम जिस स्पेसिफिक साइट्स पे आकर के बाइंड होते हैं, फिर वहाँ से ओपन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसीजर होता है वो होता है द प्रमोटर, ठीक है, इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के प्रमोटर्स पे ये आकर के बाइंड होते हैं। दिस इज फॉलोड बाय इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द टर्मिनेशन सीक्वेंस। और यहाँ पे ये आकर के सबसे पहले बाइंड होते हैं, यही इनके सबसे पहले आरएनए सिंथेसिस की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और आफ्टर दैट क्या होता है कि टर्मिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ये ब्रेक हो जाते हैं या फिर ये हट जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज और आपके एमआरएनए की चेन बन जाती है। तो सर, दूसरी तरफ मैं बात करूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, तो कौन कौन से रीज़न होते हैं ये आप जब देख रहे हो। कोडिंग स्ट्रैंड 5' टू 3' है, यहाँ पे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड देख रहे हो जिसकी तरह सिंथेसिस स्टार्ट होनी है। तो ये जो चीज़ें आपको जनरली दिखाई दे रही हैं इसमें आपको, इसमें देखिए -35 रीज़न जो है ये रीज़न आपका कहलाता है और यहाँ से -10 रीजन ये प्रमोटर रीजन्स कहलाते हैं आपके। क्या कौन से रीजन कहते हैं? प्रमोटर रीजन्स +1 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब बेसिस ऐड होते हैं तो यहाँ पे फॉस्फेट और ओएच ग्रुप है, तो यहाँ पे फॉस्फेट से पायरोफॉस्फेट आपके बनते हैं, जो कि 3 फॉस्फेट होते हैं जिसमें से 2 आपके पायरो बनेंगे, एक आपको बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे आपका OH है जो कि 3' टर्मिनल की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्मिनेशन सीक्वेंस ये ट्रांसक्राइब्ड रीजन है, मतलब यहाँ तक आपकी इलॉन्गेशन होगी, और यहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन रीजन सॉरी टर्मिनेशन सिग्नल्स हैं जो कि क्या करेंगे इस चेंज को ब्रेक कर देंगे। 5' सीक्वेंस एंड 3' सीक्वेंस लाइक दैट। आगे देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है द आरएनए प्रोडक्ट विच इज सिंथेसाइज इन 5' टू 3' डायरेक्शन इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। जो 5' टू 3' डायरेक्शन में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है इन प्रोकैरियोट, दिस कैन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल कॉन्टिगियस जीन्स। इन एमएल सेल्स यूजुअली रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल जीन्स। द 5' टर्मिनल ऑफ द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड मैच्योर साइटोप्लाज्मिक आरएनए आर आइडेंटिकल होते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करेस्पॉन्ड टू द 5' न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द एमआरएनए, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करेस्पॉन्ड टू 5' न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द एमआरएनए, ठीक।
अब मैं बात करूँ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की, दिस इज ए डेसिग्नेशन पोजिशन प्लस वन एज द करिस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए। द नंबर इंक्रीज ऑफ सिक्वेंस इज ए प्रोसीड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब आप अपने अब जिस साइड में भी आप इस वीडियो देख रहे हो अपने लेफ्ट साइड की तरफ आपका डाउन स्ट्रीम है। द फिर इसके बाद यहाँ पे है द न्यूक्लियोटाइड प्रोमोटर एडजेसेंट टू द ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल साइट इज डेसिग्नेशन माइनस वन। जिस तरफ आपका माइनस वन होगा दिस निगेटिव नंबर इंक्रीज द सिक्वेंस प्रोसीड अप स्ट्रीम। उस तरफ जैसे जैसे हम निगेटिव की तरफ आएंगे मतलब लेफ्ट साइड में आप अपने आइए तो वहाँ पे आपकी अप स्ट्रीम होगी। डाउन स्ट्रीम मतलब आप अपनी राइट की तरफ जाइए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो आपकी अप स्ट्रीम होगी अवे फ्रॉम द इनिशिएशन साइड। दिस प्रोवाइड अ कॉन्वेंशियल वे ऑफ डिफाइनिंग द लोकेशन रेगुलेटरी एलिमेंट इन द प्रमोटर। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले आपको प्रमोटर रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपका आरएनए कोडिंग रीजन्स है ठीक है। और यहाँ पे आगे आपकी टर्मिनेटर रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से टर्मिनेशन स्टार्ट होगी। इस साइड में आप आते हो तो आपको अप स्ट्रीम दिखाई देता है और लेफ्ट साइड में आने पे और राइट साइड में जाने पे आपको डाउन स्ट्रीम दिखाई देता है ठीक है। दोनों चीज़ें आप देख रहे हो, अप स्ट्रीम की तरफ माइनस में आएगा और डाउन स्ट्रीम की तरफ आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थर्टी फाइव ठीक है। प्रमोटर इज माइनस थर्टी फाइव माइनस टेन और ये यहाँ पे होगा वन ठीक। इसी तरह इधर की तरफ आप जाओगे तो प्लस वन ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आपकी है और यहाँ पे थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है। ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपकी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये जो चीज़ें आपकी ये दोनों आपके डीएनए स्ट्रैंडेड है ठीक। यहाँ पे आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ से जस्ट यहाँ से आपका स्टार्ट होगा आरएनए बनना, इसलिए आपको यहाँ से ये दिखाया गया है ठीक है। ये आपके यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन है। तो यदि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम मतलब इसके स्टैंड को कोड करेगा तो इसके स्टैंड को कोड करने के लिए किस तरीके से चलेगा, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम की तरफ। दूसरी तरफ देखते हैं बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कौन कौन से सब यूनिट हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एज अ आरएनए पॉलीमरेज के रूप में। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जिसे हम लोग बोलते हैं आरएनएपी ऑफ द बैक्टीरियम इसिचूरिया कोलाई एग्जिस्ट इज एन अप्रॉक्सीमेटली 400 किलो डाल्टन कोर कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ ठीक है। तो 400 किलो डाल्टन होते हैं आपके कोर्स, जिसमें पहला टू आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स आपको दिखाई देंगी, टू आइडेंटिकल वन एंड टू एंड सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल बीटा एंड बीटा डायज सब यूनिट्स। तो आपको बीटा बीटा डायज भी दिखाई दे रही है एंड ओमेगा सब यूनिट एंड असिग्मा सब यूनिट्स। बीटा इज थॉट टू बी अ कैटालिटिक सब यूनिट, बीटा जो होती है वो आपकी कैटालिटिक सब यूनिट्स है, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन उसमें रोल प्ले करती है। सिग्मा सब यूनिट आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको इस जगह पे, जो कि जैसे ही आपका इनिशिएशन स्टार्ट होगा सिग्मा सीक्वेंसेस आपके क्या हो जाएंगे वहाँ से हट जाएंगे, बाकी चीज़ें आपकी स्टार्ट होती चली चलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, एक सेकेंड वन मिनट प्लीज ओके ठीक। तो देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं आपकी। आरएनए एपिज़म मेटैलो एंजाइम्स आल्सो कंटेन टू जिंक मॉलिक्यूल्स। द कोर आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक प्रोटीन फैक्टर द सिग्मा फैक्टर दैट्स हेल्प टू कोर एंजाइम रिकॉग्नाइज द बाइंड्स टू द स्पेसिफिक डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस ऑफ द प्रमोटर रीजन टू फॉर्म द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो जो सिग्मा होती है वो आपकी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्पफुल रोल प्ले करती है। बैटरी कंटेन मल्टीपल फैक्टर्स ईच ऑफ विच एक्ट एज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। इसको एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, आरएनएपीएम मेटैलो एंजाइम्स होती है आल्सो कंटेन टू जिंक, जिसको हम मेटैलो एंजाइम भी बोलते हैं क्योंकि ये कंटेन करते हैं आपके जनरली टू जिंक मॉलिक्यूल्स। द कोर आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स फैक्टर्स द सिग्मा अल्फा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर्स That helps the core enzyme recognize, ठीक है, core enzyme की तरह काम करते हैं, recognize the bind to specific dinucleotide sequence and promoter region to form the pre-initiation complex. तो सबसे पहले ही जाकर के bind होते हैं, उसे unwind करते हैं और वहीं पे आपकी बनती है pre-initiation complex. Bacteria contain multiple factors each of which has act as regulatory protein. तो bacteria भी कई तरीके के regulatory proteins को भी वहाँ पे करती है। मेमेलियन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मेमेलियन सेल्स प्रोड्यूस थ्री डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर, ठीक है, मेमेलियन सेल्स प्रोड्यूस थ्री डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज वन इज फॉर द सब यूनिट ऑफ आरएनए।
RNA polymerase 2 is for synthesis of mRNA and miRNA. RNA polymerase 3 is for synthesis of tRNA and siRNA and snRNA.